हाय स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स का 2 मई का हिंदी का ऑनलाइन लेसन पढ़ेंगे। हिंदी में हमने हमारे 2 चैप्टर्स कर लिए हैं, जिसमें से पहला तो था नीली चिड़िया के बारे में, दूसरा था एक लेखिका के बचपन के बारे में, तीसरा है नादान दोस्त। ये प्रेमचंद जी की बहुत ही अच्छी कहानी है, जिसमें 2 बच्चों की जिज्ञासा को दिखाया गया है। वो अपनी मासूमियत से गलती कर बैठते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस क्या होती है? छत के ऊपर की जो जगह होती है, जहाँ कोई मतलब आ जा नहीं सकता। छत की जैसे स्लैंटिंग सरफेस नहीं होते, वो होती है कार्निस। इसका आपको वर्ड मीनिंग लिखना है। जो भी अंडरलाइन वर्ड आएंगे आपको उनका वर्ड मीनिंग लिखना है। इसका मीनिंग आपको बुक के लास्ट में मिलेगा। बुक के लास्ट में आपको और भी वर्ड मीनिंग मिलेंगे, जो कि सभी चैप्टर्स के हैं। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। ये देखिए, ये बच्चों के कितनी जिज्ञासाएं हैं, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर्र से उठ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। केशव जो था वो अपनी छोटी बहन श्यामा से बड़ा था कुछ साल, इसीलिए वो उसे थोड़ा डांट कर भी कह देता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर उठते थे। अधीर मतलब उनसे रहा नहीं जाता था। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। प्रस्ताव मतलब आइडिया जो उन्होंने रखा, स्वीकृत मतलब दोनों ने सहमति दे दी उसे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिर उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। अम्मा जी उनकी माँ हैं, उससे वो बहुत डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न आ जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर आड़ कर दूंगा, अब क्या तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल से मैं सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे,
बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर सो गई थी। आज के लिए हम इतनी ही कहानी पढ़ेंगे। ये हमारा कहानी का चैप्टर है जो हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज आपका यही है कि हार्ड वर्ड फाइंड करें और उनके मीनिंग पीछे से देखकर लिखें अपनी कॉपी में।